हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं नई वैकेंसी लेकर के। मोस्टली हम लोग देखते हैं बहुत सारा यूथ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त जॉब चाहते हैं पर गलत कंसल्टेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। कितना कितना पैसा एडवांस में दे करके आते हो, 5-5 हजार, 10-10 हजार, और उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। होता क्या है कि जो कुछ करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, जैसी जॉब चाहते हो वैसी जॉब आपको कंसल्टेंट्स नहीं दिला पाते हैं, और आपकी रेलेवेंसी के साथ मजाक हो जाता है। हम बनना क्या चाहते हैं और बना क्या दिए जाते हैं। इसी तरह से मेरी हमेशा कोशिश भी रहती है कि मैं आप सबके लिए कुछ नया अपडेट लेकर के आऊं, कुछ नई रिसर्च करके आऊं, आपको प्रॉपर तरीके बताऊं अप्लाई करने के। यहां तक कि मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग देखते ही हो, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, डायरेक्ट फोन नंबर्स, डायरेक्ट ईमेल आईडीज दे रखी होती हैं। अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो आप अपना बायोडाटा मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको मेरी तरफ से एक लिंक आएगा, उस लिंक को ज्वाइन करना है। जब आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो आपको बेशुमार जॉब्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनमें फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज डायरेक्ट दे रखा होता है। कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को एडवांस में कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई मांगता भी है तब भी नहीं देने हैं। और सबसे मेन चीज मैं आपको यहां पर जरूर शेयर करूंगा कि जॉब को जब भी आपने अप्लाई करना है कोशिश कीजिए डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, किसी को बीच में मत लाइए। और कोई आपसे पैसे मांगता है कि मैं आपको नौकरी पर रख लूंगा और मेरे को जॉब आपको जॉब फाइनल कर देते हैं, तो प्लीज हाथ जोड़कर बेनती है, कोई भी कंपनी आपको जॉब पर रखने के लिए पैसा नहीं लेती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात है कि जब भी आपकी जॉब लगे मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ और अच्छा करने की, कुछ और नया करने की। इवन दैट कभी भी आपको लगे मैं जो भी आपको जॉब्स के बारे में बताता हूं किसी भी तरह की कोई कमी है, मुझे तब भी जरूर बताया करो। आपके कम बताने से मैं और उसमें इंप्रूवमेंट कर पाऊं, कुछ ऐसा हो जाए। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं न्यू वैकेंसी। ये वैकेंसी आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूं, ये रही। सो गाइस, अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा 24/7 कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस तरह से अप्लाई करना है। जब आप यहां पर गूगल में सर्च करेंगे 24/7 कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड, तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगी। कहीं पर भी इधर उधर क्लिक मत कीजिएगा, कंफ्यूज हो सकते हो, फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। बेटर यही है कि जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, रिसर्च करके बता रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिए। ये एक आपके पास ऑप्शन आ रही है सामने, देखिए 24/7 AI प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपनी की प्रॉपर एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। अब आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है, देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है करियर्स की, करियर्स पर जाकर के आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जॉब्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको इंडिया की जॉब्स चाहिए तो यहाँ पर जॉब्स इन इंडिया जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपने अप्लाई फॉर ए जॉब करना है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर हैदराबाद में जॉब है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वॉइस में। अब ये जॉब आप मान लेते हैं कि सूटेबल जॉब है आपके लिए, आपको जॉब लगता है कुछ है, तो यहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जॉब का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, जॉब की रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ने बैठा, बोलने बैठा तो वीडियो लंबा हो जाता है, मेरा काम है रास्ता दिखाना। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन आ रही है। अप्लाई नाउ पर जा करके जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया टैब खुल करके आ जाता है। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो डोंट हैव अ स्प्रिंग बोर्ड अकाउंट रजिस्टर हेयर। यहाँ पर क्लिक करेंगे हेयर पे जा करके तो आपके सामने अकाउंट रजिस्ट्रेशन का ये पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स हैं ये सारी यहाँ पर भर दीजिए, फिल कर दीजिए।
ठीक है, ये करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे फिर पूछेगा जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर फिल आउट कर दीजिए। इसको आप अच्छे से फिल करते जाइएगा सारी डिटेल्स को। उसके बाद क्या होगा, जब भी कंपनी को लगेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट की जा सकती है। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, आप अपना फ़ोन नंबर फिल आउट कीजिए। आपका ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल आउट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पर जाकर के क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शंस और आ गई। वी नीड सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आपके फादर्स का नेम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, एवरीथिंग इसमें पूछा जा रहा है। सपोज फादर्स नेम आपका है ठीक है, उसके बाद आपका हाउस नंबर आ गया, जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका टाउन आ जाएगा, स्टेट सिटी आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से फिल करते चले जाना है। जितनी भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी आप इसको अच्छे से बताते जाइएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पर जाकर के क्लिक करेंगे, स्ट्रीट एड्रेस, ओके नेक्स्ट किया। अब यहां आपसे पूछ रहा है योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप चाहे ग्रेजुएट हो कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, लिख दीजिए कितनी देर का है, 20 इयर्स का है, 10 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, लिख दीजिए। जहां पर काम किया है वो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर जाकर के क्लिक कीजिए। अब लास्टली वी वुड लाइक टू नो अबाउट समथिंग अबाउट योर जॉब एप्लीकेशन, आपका क्या काम था, आप कंसल्टेंट थे, है ना, जो भी है बेसिक एचआर, है ना, अप्लाइंग फॉर लोकेशन, कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। वुड यू लाइक टू रेफर योर फ्रेंड्स, उनका नेम यहाँ पर आप लिख दीजिए, जिन भी जॉब्स फ्रेंड्स को आप देना चाहते हो। ये सारी डिटेल मेरे सामने आ गई, आप यहाँ पर इनको पढ़ लीजिए, इन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद R4P2R यहाँ पर जा कर के क्लिक करिए, और जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स ये कंपनी में पहुँच जाएंगी। ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अ कंप्यूटर एट होम, यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या है आपके पास, लैपटॉप है, है ना, लैपटॉप में कैमरा है, और ये भी है आपके पास माइक, लैन केबल भी है, तो ये सारी जितनी भी ऑप्शन है इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिल आउट करते चले जाइए। इन केस आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकि आपकी जॉब लग सके। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अप्लाई ज़रूर किया करो, ये मत सोचा करो कि दो चार कंपनीज में अप्लाई किया है तो मेरी जॉब नहीं लगी, ऐसा मत सोचा करो, अप्लाई ज़रूर किया करो। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी। तो ये था जी एक तरीका किस तरह से हमने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है बिना किसी कंसल्टेंट के। जब भी कंपनी को लगेगा आप उनको सूटेबल हो तो वो आपको जरूर बुलाएंगे, जब भी कंपनी को लगेगा उनके पास वैकेंसी है और वैकेंसी के लिए ये बंदा हमारे पास पड़ा है तो वो आपको जरूर बुलाएंगे। आपकी टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकती है, आपको फिजिकली भी बुलाया जा सकता है, स्काइप पर भी इंटरव्यू हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर तैयार रहा करो, इंटरव्यू कैसे देनी है उसके लिए मेरे दूसरे वीडियोज भी बन रखे हैं, इंटरव्यूज कैसे देनी है, कैसे क्लियर कर रहे हैं, वो वीडियोज भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको अपनी मनचाही जॉब मिल सके। All the best.